ठंड के मौसम में पाए खाने का मजा ही कुछ अलग है तो अब जाती हुई ठंड में एक बार पायों का और मज़ा लिया जाएगा कुछ अलग रेसिपी के साथ पायों का किस तरह से धोना है इसका हम वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर रिवाइज़ कर लेते हैं तीन बार ठंडे पानी से धोने के बाद इसको गर्म पानी के साथ धोना है और अच्छे से साफ़ करना है उसके बाद इसके अंदर खोलता हुआ पानी यानी बॉइलिंग वाटर डालना है और थोड़ा सा विनीगर और थोड़ा सा नमक डालकर पानी ठंडा होने तक वेट करना है कि जब तक आप इसके अंदर हाथ से वॉश कर सकें उसके बाद इसको एक फ़ाइनल वॉश कर देना है तो ये आपके पाए रेडी हैं इस तरह से इसके वेंस में अक्सर ब्लड क्लॉटिंग होती है तो वो आप निकाल लें ठंडे पानी से धोते वक्त अदरवाइज़ ये इस तरह से क्लॉट बन जाएगा तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें खास रखे। किचन में आपका स्वागत है मेरा नाम है वजी रहमान ख़ान तो शुरू करते हैं बिसमान रहीम तो हम एक कुकर के अंदर पाए ले लेते हैं ये हमारे दो बड़े साइज़ के पाए हैं इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी एक बड़े साइज का प्याज और उसमें आधा लहसुन उसका पेस्ट बना लिया था वो इसमें हमने ऐड किया है डेढ़ टेबल स्पून लाल मिर्च नमक हसबा और इसमें डालेंगे एक लीटर तकरीबन पानी एक लीटर से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं आप ये तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो कि फ्रोजन हुआ हुआ था अब इसको बॉयल करने के लिए रख देते हैं जब इसके अंदर बॉयल होने लगे तो इसके बाद इसका हम लेड लगा देंगे प्रेशर कुकर का लिड लगाने के बाद एक विसिल का वेट करें और एक विसल आने के बाद इसको छोटे चूल्हे पर हल्की आंच पर रख दें एक घंटे के लिए और उसके बाद चूल्हा बंद कर दें और ठंडा होने तक प्रेशर ख़त्म होने तक का इंतज़ार करें ठंडा होने के बाद इसको हम खोलेंगे तो इसके अंदर से देखें ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छा सा रंग आया है अगर आप असली पाए खाने के शौकीन हैं तो आप इसको इसी तरह से खा लें इसके अंदर कोई एडिशनल मसाला धनिया वग़ैरह गरम मसाला प्याज़ फ्राई वग़ैरह कुछ मत डालिए आप इसको सिर्फ ऐसे इन्जॉय कीजिए लेकिन इसका सफ़र हम अभी और आगे शुरू करेंगे जो मसाले के शौकीन है उनके लिए तो ये बोन हम अलग कर देंगे और इसकी मैरो जो है वो निकाल लेंगे इस ऑयल में हमने एक बड़ी प्याज को ब्राउन किया था और इसमें हम ऐड कर देंगे दो तेजपात के पत्ते सात आठ काली मिर्च पाँच छः लौंग और एक बड़ी इलायची जिसको हम डी सीट कर लेंगे और पाँच छः हरी इलायची इनको भी हम डी सीट कर लेंगे वन फोर्थ जायफल लिया है जो कि बहुत छोटे साइज़ का था और एक मेस फ्लावर लिया है और ये हमारे पास क्वार्टर टेबल स्पून सिनेमन पाउडर है क्वार्टर टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर इन सब का एक साथ पाउडर बना लेंगे ये खुशबू का मसाला है इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे और जो इसके छिलके हैं वो हम अभी ऑयल के अंदर डाल देते हैं इनके छिलकों में भी बहुत अच्छी खुशबू होती है आप इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसको ना डालना चाहें दो टेबल स्पून जिंजे गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा कई बार डाल रहा हूँ क्योंकि ये पतला है अगर आपको बात ठीक है तो बस दो टेबल स्पून काफ़ी हैं दो ग्राम इसमें हम दही ऐड करेंगे एक टेबल स्पून धनिया पाउडर और एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे और मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद इसके अंदर हम पायों को ऐड कर देंगे खाली बोटियाँ इसकी और जो हमने प्याज ब्राउन की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे इस प्याज के साथ भूनने के बाद जो हमने ग्रेवी छोड़ी थी पहले वाली वो हम इसमें ऐड कर देंगे जो स्टॉक है पायों का वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये तरीका बहुत बेहतरीन है अगर आपके पास कोई गेस्ट आ जाता है आप पाय बना रहे हैं तो इस तरह से आप ग्रेवी को एक्सटेंड कर सकते हैं पाए हमारे स्लो हीट पर हैं और अब ये रेडी है इसमें अब ऐड कर देते हैं खुशबू का मसाला और छोड़ देते हैं पाँच मिनट के लिए पाँच से सात मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको गार्निश करेंगे कटी हुई हरी मिर्च हरा धनिया जिंजर जूलन लेमन और एक चुटकी गरम मसाला ऑथेंटिक ट्रेडिशनल पाए की रेसिपी हम पहले अपलोड कर चुके हैं उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें दुआ में याद रखें अल्लाह